दोस्तों, अभिनेता धीरज धूपर टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा अभिनेता है, जिन्होंने कुंडली भाग्य में करीब 5 सालों तक दर्शकों का एंटरटेनमेंट किया। पर अफसोस, ये अपने इस शो को आज अलविदा कह चुके हैं और जल्द ही सुरभि चांदना के साथ नए शो शेर दिल शेर गिल में नजर आने वाले हैं, जिनमें इनकी एक झलक देखने को मिली है, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अभिनेता धीरज धूपर शो के लिए पहली पसंद नहीं है, बल्कि इनसे पहले टीवी इंडस्ट्री के कई मशहूर अभिनेताओं को शो के अप्रोच किया गया था। पर अफसोस, उन सभी ने किसी ना किसी कारण से शो को करने से मना कर दिया, जिसके चलते ये शो आगे धीरज धूपर को जाकर मिला। जी हाँ, तो आखिरकार कौन से है वो अभिनेता जो कि इस शो को धीरज धूपर से पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, मोहसिन खान। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेता मोहसिन खान का, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है से काफी मशहूर हो चुके हैं। पर इस शो के बाद इन्हें किसी भी टीवी शो में नहीं देखा गया, जिसकी वजह से मेकर्स ने इन्हें इस शो के लिए अप्रोच किया। पर अफसोस, मोहसिन खान ने शो को करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, दरअसल मोहसिन खान का कहना है कि इस शो से पहले ही ये किसी और शो के लिए हामी भर चुके हैं, जिसके चलते डेट्स ना होने की वजह से ये शो नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, करणवीर बोहरा। नागिन शो से मशहूर होने वाले करणवीर बोहरा भी इस शो के लिए मेकर्स की पसंद थे, पर इन्होंने भी इस शो को करने से मना कर दिया। और बात करें वो भला क्यों, तो दरअसल इनका कहना था कि शो में इनका किरदार इन्हें उतना ज्यादा दिलचस्प नहीं लग रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस शो को करने से इनकार कर दिया। नंबर 3, करण टेकर। टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता करण टेकर भी पहले धीरज धूपर की जगह इस शो के लिए चुने गए थे, पर अफसोस, उन्होंने भी शो को करने से इनकार कर दिया। और बात करें वो भला क्यों, तो दरअसल करण टेकर को इस शो की कहानी ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि शो की स्टोरी काफी बोरिंग लग रही है और इन्हें लग रहा है कि ये शो फ्लॉप जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को करने से इनकार कर दिया। नंबर 4, अर्जुन बिजलानी। शो को रिजेक्ट करने वाले अभिनेताओं में आखिरी नाम शामिल है अभिनेता अर्जुन बिजलानी का, जो कि अपने किरदार में नागिन जैसे सुपरहिट शो दे चुके हैं। पर आपको बता दें, अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने भी इसे करने से मना कर दिया। और बात करें इसकी वजह की, तो बता दें कि अर्जुन बिजलानी को इसकी कहानी और किरदार पसंद आ गए थे, पर शो के लिए जितनी फीस की डिमांड कर रहे थे मेकर्स उसके लिए राजी नहीं हो रहे थे, और इसी की वजह से इन्होंने इस शो को छोड़ दूसरा शो करना सही समझा। वेल, दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी अभिनेताओं में से धीरज धूपर की जगह किस अभिनेता को ये शो करना चाहिए था? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.